गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मनीष गुप्ता फ्रॉम शिवज्योति एजुकेशन ग्रुप। टुडे वी विल स्टडी सोशियोलॉजी चैप्टर नंबर 1। दिस वन इज द सेकेंड बुक, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। सोशियोलॉजी के अंदर हमारी दो बुक है, जो सेकेंड बुक है हमारी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, उसका चैप्टर नंबर 1, सोशल स्ट्रक्चर स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेस इन सोसाइटी। तो सोशल स्ट्रक्चर की सबसे पहले बात की जाती है कि भाई सोशल स्ट्रक्चर क्या है। तो सोशल स्ट्रक्चर के अंदर सोसाइटी के स्ट्रक्चर को फोकस किया जाता है। अब जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, किस तरह से वो ऑर्गेनाइज हो रहा है, एक किस तरह से वो अरेंज किया जा रहा है, उस चीज को इसके अंदर फोकस किया जाता है। अब स्ट्रक्चर क्या है? तो स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज हो सकती है सोसाइटी के अंदर, जिसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, कंसिस्ट ऑफ द रिलेटिवली स्टेबल इंटर रिलेशनशिप एमंग इट्स पार्ट्स, यानी सोसाइटी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसके अंदर आपस में रिलेशनशिप क्या है, ये चीज हमारे स्ट्रक्चर के अंदर आती है। और इससे भी ज्यादा जो जो पार्ट है सोसाइटी के, अब डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो उसके अंदर उस चीज को भी इंप्लीमेंट किया जाता है। अब कई सारे पैटर्न हैं, रेगुलेटरीज हैं, जिसके अंदर लोग अपने आपस के अंदर एक दूसरे से साथ में उनका क्या बिहेवियर है उसका एनालाइज इसके अंदर किया जाता है। तो सोशल स्ट्रक्चर मेनली सोसाइटी से बनाएगा, और सोसाइटी बनी है पीपल से, इंडिविजुअल से, ह्यूमन बींग से। तो सोशल स्ट्रक्चर किससे बनता है? ह्यूमन एक्शन एंड रिलेशनशिप, यानी आदमी के जो कार्य है, उसके जो वर्क है, एक्शन है, उसका इम्पैक्ट उसके दूसरे लोगों के ऊपर क्या पड़ रहा है और उनके साथ में उनकी क्या रिलेशनशिप है, इस चीज का सोशल स्ट्रक्चर के अंदर एनालाइज किया जाता है। अब पैटर्न क्या बनाता है, कैसे बनता है? तो व्हाट मेक्स द पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर इन द सोसाइटी, इट्स रिपीटेशन अक्रॉस पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो बार बार क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। अब रिपीटेशन किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? पीरियड ऑफ टाइम, समय के अनुसार चेंजेस जाते रहते हैं, एंड डिस्टेंस ऑफ स्पेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर ये स्ट्रक्चर भी क्या होता है, चेंज होता है। तो दिस इज द रीजन, यही रीजन है कि जो सोशल रिप्रोडक्शन एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये दोनों आपस के अंदर इंटर रिलेटेड है टू ईच अदर, और इन दोनों का ही सोशियोलॉजिकल एनालाइज किया जाता है। जैसे कि स्कूल के अंदर एक एडमिशन का प्रोसेस है, कोड ऑफ कंडक्ट, आपको इतने बजे आना है, इतने बजे हमारे ऑफ होगा स्कूल, फिक्स टाइम पर इंटरवेल होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपकी यूनिफॉर्म क्या होगी, आप किस तरह से स्कूल के अंदर बिहेव करेंगे, डेट इज कोड ऑफ कंडक्ट। एनुअल फंक्शन कब है हमारा, डेली असेंबली कैसे हो रही है, तो स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल एंथम्स, ये सारी चीजें बार बार क्या होती रहती हैं, डेली स्कूल के अंदर टाइम टू टाइम रिपीट होती रहती हैं। अब यही चीजें जब रिपीट होती रहती है तो स्कूल क्या बन जाता है, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बन जाता है। तो ह्यूमन बींग्स डू ब्रिंग चेंजेस टू रिप्रोड्यूस द स्ट्रक्चर बाय इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस। अब ह्यूमन बींग से क्या करता है, ये चेंजेस लाते हैं, किस लिए लेके आते हैं, स्ट्रक्चर को रिप्रोड्यूस करने के लिए। अब इसके लिए जो ह्यूमन बींग्स रेगुलर नए नए चेंजेस उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, तो दे कॉपरेट एज वेल एज कंपीट विद ईच अदर, आपस के अंदर ही एक दूसरे को कॉपरेट भी कर रहे हैं और कंपीट भी करते हैं। और ये जो प्रोसेस है बहुत एक शात्रणा तरीके से चलता रहता है, यानी हर आदमी अपने इंटरेस्ट को सेव करना चाहता है। अब इसके लिए टू मेजर थीम्स एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को बताती है, कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट, यानी कॉपरेशन कहाँ है और कॉन्फ्लिक्ट किस जगह क्रिएट है। तो अलग अलग फिलोसफर्स ने अपने अपने दिए, तो बहुत जाने माने फिलोसफर्स हैं, एमिल दुर्खिम, उन्होंने इस चीज के ऊपर जोर दिया कि सोसाइटी इज प्राइमरी ओवर द इंडिविजुअल पर्सन, यानी सोसाइटी किसके ऊपर बेस्ड है, आपके इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर बेस्ड है, और
और यानी जितने भी लोग हैं आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं। लेकिन जो सोसाइटी बन जाती है तो इंडिविजुअल यानी एक पर्सन के एक्ट से बहुत आगे है। और ये सोसाइटी बनने के बाद एक फर्मनेस, एक सॉलिडिटी इसके अंदर क्रिएट होती है। और कंपेरेबल टू स्ट्रक्चर इन द मेटेरियल एनवायरमेंट, यानी हमारे एनवायरमेंट के साथ भी ये क्या करती है, रिलेट करती है। दूसरा सोशल थिंकर कार्ल मार्क्स अलग चीज के ऊपर जोर देते हैं। वो किस चीज के ऊपर एम्फसाइज करते हैं कि जो सोशल स्ट्रक्चर के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जाती हैं, जो हिंड्रेंस रुकावटें बाधाएं क्रिएट होती हैं, उनके ऊपर जोर देते हैं। बट एट द सेम टाइम लेकिन साथ में ये ह्यूमन क्रिएटिविटी के ऊपर भी बात करते हैं, यानी किस तरह से ह्यूमन क्रिएटिविटी क्या है उसकी, और उस बेस के ऊपर जो सोसाइटी वो क्रिएट कर रहा है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी चीज़ें सोशल चेंजेस जिस बेस के ऊपर रिप्रोड्यूस हो रहा है उस चीज़ को ये एक्सप्लेन करते हैं। तो शॉर्ट के अंदर कह रहा है कि सोशल स्ट्रक्चर रेफर टू रिलेटिवली स्टेबल, यानी जो सोशल स्ट्रक्चर है वो पहले से ज़्यादा स्टेबल है कंपेरेबल सोशल यूनिट से एंड पैटर्न रिलेशनशिप। तो दीज आर स्पेशल सीक्वेंस इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस यूनिट, तो इनका एक फिक्स क्रम के अंदर, फिक्स सीक्वेंस के अंदर उनको अलग अलग यूनिट्स को अरेंज किया गया है। अब सोशल स्ट्रक्चर मैनिफेस्ट द एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ सोसाइटी, समाज के बाहरी वातावरण को शो करता है जो कि विजिबल है, परमानेंट है और एब्स्ट्रैक्ट है, बिल्कुल नजर जो आ रहा है उस चीज को हमारा सोशल स्ट्रक्चर शो करता है। सोशल स्ट्रक्चर के अंदर फोर एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला है आपका नॉर्मेटिव सिस्टम, स्टेटस सिस्टम, सैंक्शन सिस्टम एंड एंटीसिपेटेड रेस्पॉन्स सिस्टम, विच फंक्शंस एट सोशल रिलेशनशिप लेवल, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप लेवल एंड कम्युनिटी लेवल। अब ये जो सिस्टम है सोसाइटी के अंदर, किस तरह से सोसाइटी ऑर्गेनाइज हुई है उस लेवल के ऊपर इसकी स्टडी करेगा, या जो सोसाइटी के कुछ ग्रुप के जो लोग हैं उनकी स्टडी करेगा, या कम्युनिटी लेवल के ऊपर लोगों का एक्ट क्या है उसकी स्टडी इसके अंदर की जाती है। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी समाज का स्तरीकरण, अलग अलग लेवल के ऊपर जो सोसाइटी हमारी अरेंज हो रही है वो किसके ऊपर एग्जिस्टेंस करती है, ऑफ स्ट्रक्चर इनइक्वालिटीज बिटवीन ग्रुप इन सोसाइटी, यानी इसके अंदर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर किस चीज की स्टडी की जाती है, सोसाइटी के अंदर जो इनइक्वालिटीज क्रिएट हो रही है। अब इनइक्वालिटीज आपके किसी भी बेस के ऊपर हो सकती है, आपके एडुकेशन के बेस के ऊपर भी हो सकती है, तो आपके इकोनॉमिक बेस के ऊपर भी हो सकती है। तो वो जो इनइक्वालिटीज जो सोसाइटी के अंदर बैकवर्ड है, कोई फॉरवर्ड ग्रुप है, उनके बीच में जो इनइक्वालिटीज है उसके स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर। अब फंक्शन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो रिलेटेड है टू वेरियस स्ट्रेटा, अलग अलग समाज के स्तरों से रिलेटेड करता है, क्योंकि कोई भी जो पर्सन है नो इंडिविजुअल कैन फुलफिल ऑल हिज नीड्स अलोन, वर्ल्ड के अंदर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसको कि दूसरे की जरूरत ही ना पड़े, अपने रिक्वायरमेंट को अकेला ही पूरा कर ले, ऐसा तो कोई है ही नहीं। तो अधिकतर जो एविडेंस है, मोस्ट एविडेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन मॉडर्न सोसाइटी, जो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जो अलग अलग फॉर्म है स्ट्रैटिफिकेशन के समाज के स्तर के, इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, क्लास डिवीजन, सोसाइटी के लोग किस क्लास के अंदर डिवाइडेड हो रहे हैं, हायर क्लास में है, अपर क्लास में है, रेस, कोई ब्लैक है कोई वाइट है, स्किन कलर के बेस के ऊपर, कास्ट ग्रुप, रिलीजन, कम्युनिटी, ट्राइब, जेंडर एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें किसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, मॉडर्न सोसाइटी के स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज ए पार्ट ऑफ द ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर, तो ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है सोशल स्ट्रक्चर का एक ब्रॉडर पार्ट है, और इट इज करेक्टराइज्ड बाय ए सर्टेन पैटर्न ऑफ इनइक्वालिटी। अब इसके अंदर जो समाज के अंदर सोसाइटी के अंदर जो अलग अलग लेवल के ऊपर जो इनइक्वालिटीज क्रिएट हुई हैं उन वो किस कारण से क्रिएट हुई हैं उनको करेक्टराइज इसके अंदर किया जाता है। अब आता है हमारा कास्ट सिस्टम इज ए फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, एक पार्ट है ये कास्ट सिस्टम। अब इसके अंदर मेन फीचर्स,
सोशल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग ग्रुप के अंदर जो सोशल और रिलीजियस डिसेबिलिटीज है, अयोग्यताएं है, उनकी स्टडी हम इसके अंदर करते हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन फूड एंड कोएग्जिस्टेंस, जो आप कोई वेजिटेरियन है कोई नॉन वेजिटेरियन है तो फूड के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन सोसाइटी के अंदर लगे हुए हैं, साथ में रहने के ऊपर भी लगे हुए हैं, कोई अपर ग्रुप है कोई लोअर कास्ट का है, कोई अपर कास्ट का है उस बेस के ऊपर भी। रेस्ट्रिक्शन ऑफ मैरिटल रिलेशन, जो वैवाहिक संबंध है उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगे हुए हैं। इंटरकास्ट मैरिज को कोई सोसाइटी अलाउ करती है कोई नहीं करती है एटसेट्रा। रेस्ट्रिक्शन ऑन चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, जो आप ऑक्यूपेशन चूज करना चाहते हैं लेकिन अगर कोई पर्सन लोअर कास्ट का है या अपर कास्ट का है उसका जो प्रोफेशन है वो चेंज करना चाहता है तो भी उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं सोसाइटी के अंदर कि आज एक कोई अपर कास्ट ग्रुप का पर्सन है वो है जो कचरा उठाने का काम नहीं करेगा, एक जो लोअर कास्ट का पर्सन है वो कोई एस्ट्रोलॉजी का काम करने लग जाए तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाने लग जाती है सोसाइटी में, तो एटसेट्रा। ये सारे क्या है रेस्ट्रिक्शन, ये ऑक्यूपेशन की चॉइस के ऊपर भी उनको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। अब बेसिक फॉर्म्स ऑफ एडवांटेज विच प्रिविलेज ग्रुप्स में एंजॉय, यानी समाज के अंदर जो प्रिविलेज ग्रुप के लोग थे जिनको विशेष अधिकार प्राप्त थे उनको क्या क्या एडवांटेज मिले हुए हैं, वो किस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, तो सबसे पहले इसलिए दिया लाइफ चांसेस। तो ऑल दोज मटेरियल एडवांटेज, यानी मटेरियल एडवांटेज जो पैसे के बेस के ऊपर जो एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, विच इम्प्रूव लाइफ ऑफ द रिसिपिएंट, अब यानी जिसके अंदर वो अपनी लाइफ को पैसे के बेस के ऊपर इम्प्रूव करते हैं, वेल्थ है इनकम है, अब इसके बेस के ऊपर उनको क्या क्या बेनिफिट होते हैं उनकी हेल्थ के अंदर, ऑब्वियसली बात है आपके पास पैसा है यू कैन गेट बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, जॉब सिक्योरिटी, आपके पास जिस जॉब के अंदर आप हैं उस जॉब के अंदर आपके पास पैसा अच्छा मिल रहा है, एक जॉब सिक्योरिटी फील हो रही है, रिक्रिएशन एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें लाइफ चांसेस यानी पैसे के बेस के ऊपर है। नेक्स्ट है सोशल स्टेटस, अब समाज के अंदर ये भी चीज क्या आती है कि आपकी प्रेस्टीज क्या है सोसाइटी के अंदर, तो ये भी जो प्रिविलेज ग्रुप है ऑब्वियसली बात है उनकी सोसाइटी के अंदर जो प्रेस्टीज है रेस्पेक्ट है रेपुटेशन है वो ऑब्वियसली ज्यादा मानी जाती है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ये भी है कि डोमिनेंस ऑफ वन ग्रुप टू ऑन अनोदर ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप, यानी एक ग्रुप जो पिछड़ा हुआ है जो दूसरा ग्रुप जिसमें कि अपने डिसीजन लेने की क्षमता है वो क्या करता है दूसरे ग्रुप के ऊपर अपना डोमिनेंस जमाना चाहता है, तो जो प्रिविलेज्ड ग्रुप है ऑब्वियसली ये अपना डोमिनेंस दूसरे ग्रुप के ऊपर जमाना चाहते हैं और वो एंजॉय करते हैं इस चीज को। तो द अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स टू एंगेज इन कॉम्पिटिशन, अब जो सोसाइटी के अंदर जो रिसोर्सेज किसी एक पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को जो अवेलेबल हैं उनके अवेलेबिलिटी के ऊपर आपस में कॉम्पिटिशन क्रिएट होता है, कई बार कॉपरेशन भी आता है एंड कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो जाता है आपस के अंदर, एंड कॉन्फ्लिक्ट आर शेप्ड बाई सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, तो इन चीज़ों के ऊपर यानी लोग जो आपस में कॉपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को कॉम्पीट कर रहे हैं कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी आपस में क्रिएट हो रहा है उस बेस के ऊपर सोशल स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्रिएट होता है, यानी समाज का एक ढांचा बनता है समाज का एक स्तर अपने आप में क्रिएट होता है। वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोशल प्रोसेस इन सोशियोलॉजी, तो सोशल प्रोसेस को सोशियोलॉजी के अंदर किस तरह से समझा जाता है, तो सोशियोलॉजी सीक्स टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कॉपरेशन कॉम्पिटिशन कॉन्फ्लिक्ट इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, यानी अगर हम सोसाइटी के एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो उसके अंदर हमें इस प्रोसेस को देखना पड़ेगा कॉपरेशन क्या है कॉम्पिटिशन क्या है कॉन्फ्लिक्ट क्या है। जैसे किसी ने एग्जाम्पल से बताया कि इन सिंपल सोसाइटी वेयर नो सरप्लस वाज प्रोड्यूस, यानी कोई भी पर्सन या कोई फार्मर है या कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है
वो केवल अपने फैमिली मेंबर्स के लिए वो चीज बना रहा है। तो देयर वाज कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, यानी उसके फैमिली मेंबर्स के बीच के अंदर, आपस के अंदर क्या है, कोऑपरेशन है, वो सब उसके लिए यूज कर रहे हैं उसको। लेकिन जब यही कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर आता है, जहां पर कि जो प्रोडक्ट था वो एक सरप्लस क्वांटिटी के अंदर, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो जो डोमिनेंट क्लास है वो उसके ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहती है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा है। एंड इंस्टेड ऑफ कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्पिटिशन इमर्ज्ड ऑन द इशू ऑफ कंट्रोलिंग द सरप्लस। तो वो कंट्रोल कॉपरेशन के बेस के ऊपर नहीं करना चाह रही है, तो उसके ऊपर क्या होगा, कॉपरेशन के बेस के ऊपर इंस्टेड ऑफ कॉपरेशन की जगह पर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिशन इमर्ज हो जाएगा, वो डेवलप हो जाएगा ऑन द इशू ऑफ कंट्रोलिंग द सरप्लस, जिससे कि उस सोसाइटी के जो डोमिनेंट क्लास के लोग हैं वो उसके ऊपर अपना कंट्रोल बना सके। अब कॉन्फ्लिक्ट प्रस्पेक्टिव के अंदर क्या है बताया, यानी कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट हुआ। द कॉन्फ्लिक्ट प्रस्पेक्टिव एम्फेसाइज दैट ग्रुप एंड इंडिविजुअल आर प्लेस्ड डिफरेंटली एंड अनइक्वली विद इन द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन रिलेशन। यानी यहां पे कहता है जो कॉन्फ्लिक्टिव के अंदर जो इस चीज के ऊपर जोर दिया गया है कि ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल जो कि अलग अलग जगह पर हैं, अनइक्वली हैं इसी सिस्टम के अंदर, और उनके बेस के ऊपर उनमें आपस में क्या रिलेशन डेवलप हुए हैं। यानी एक फैक्ट्री ऑनर है, जैसे एग्जाम्पल इसलिए दिया कि जो फैक्ट्री ऑनर है एंड द फैक्ट्री वर्कर डू कॉपरेट इन देयर एवरीडे वर्क, रोजाना एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे हैं। जो वर्कर है वो अपना काम करके किसको दे रहा है, फैक्ट्री ओनर को दे रहा है। लेकिन बट ए सर्टेन हिडन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपस के अंदर एक दूसरे के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट, एक इंटरेस्ट जो है आपस में एक दूसरे से वो जुड़ा हुआ है, और रेस्टेड इंटरेस्ट कैन बी सीन इन देयर रिलेशनशिप, और उनके बीच के अंदर रिलेशनशिप के अंदर भी ये कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। क्योंकि जो फैक्ट्री ओनर है वो अपने तरीके से अपना बेनिफिट देखता है, और जो वर्कर है वो अपने तरीके से अपने इंटरेस्ट को सेव करना चाहता है, तो उस बेस के ऊपर आपस के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो द कॉन्फ्लिक्टिव पर्सपेक्टिव के अंदर जो फोकस किया जाता है वो डिविजन ऑफ सोसाइटी के ऊपर फोकस किया जाता है, जो किसके ऊपर बेस्ड है, कास्ट और क्लास और पैटर्न, इन तीनों चीजों के ऊपर बेस्ड है। सम ग्रुप्स आर डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड, अब कुछ जो पिछड़े ग्रुप हैं वो सोसाइटी के अंदर काफी पिछड़े हुए हैं, उनके साथ में कई तरह का भेदभाव भी किया जाता है। तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, इसके अंदर क्या जोर दिया गया है, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जोर दिया गया है सोसाइटी के, यानी सिस्टम को, हमारी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सर्टेन फंक्शनल इंपेरेटिव, फंक्शनल रिक्वेस्टिस एंड प्री रिक्वेस्टाइज, यानी इन सारी चीजों की समाज की जो जरूरतें हैं उनके अंदर क्या क्या, किस तरह से उनका फंक्शन किया जाता है, किस तरह से उनको काम में लिया जाती है, उस चीज के ऊपर फोकस होए। तो इसके अंदर क्या आता है कि दीज रेफर टू द फुलफिलमेंट ऑफ द ब्रॉडेस्ट कंडीशन विच आर नेसेसरी फॉर ए सिस्टम एग्जिस्टेंस, यानी समाज के एक व्यापक रूप का इसके अंदर स्टडी की जाती है। जस्ट लाइक जैसे द सोशलाइजेशन ऑफ न्यू मेंबर, जो समाज के अंदर जो सोशल सोसाइटी के अंदर नए नए मेंबर आ रहे हैं उनका क्या रोल है, शेयर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के सिस्टम को हम कैसे आपस के अंदर शेयर करें, अपनी बात को हम दूसरे तक, सोसाइटी के लोगों तक कैसे पहुँचाएं, मेथड्स ऑफ असाइनिंग रोल्स टू इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल्स का उसके अंदर क्या रोल रहेगा, क्या मेथड्स अडॉप्ट करेंगे, ये सारी चीजें। तो फंक्शनल पर्सपेक्टिव एज्यूम दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ सोसाइटी, यानी इसके अंदर किस चीज को एज्यूम किया गया है, सोसाइटी के अलग अलग पार्ट्स को एज्यूम किया गया है फंक्शन, और वो सोसाइटी के अलग अलग पार्ट्स इसको, सोसाइटी को मेंटेन करने में अपना क्या रोल प्ले करते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शनल पर्सपेक्टिव कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सीन एज यूनिवर्सल फीचर्स ऑफ ऑल सोसाइटी, यानी हमारी सोसाइटी के अंदर जो कॉपरेशन है, कॉम्पिटिशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक यूनिवर्सल फीचर है पूरी सोसाइटी, वर्ल्ड के आप किसी भी पार्ट के अंदर चल जाइए,
वहां पर ये सारी चीजें आपस के अंदर नजर आती है। एंड द रिलेशनशिप अमंग देम इज ऑफन कॉम्प्लेक्स एंड नॉट इजीली सेपरेट। और ये इतना ज्यादा रिलेशनशिप जो है इनका इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल हो रहा है कि सोसाइटी के मेंबर्स को आपस के अंदर इससे अलग भी नहीं किया जा सकता। जब कॉपरेशन क्या रेफर करता है, टू द कंटिन्यूस एंड कॉमन एफर्ट्स टू मोर देन टू इंडिविजुअल्स वर्किंग टूगेदर इक्वली एंड विलिंगली टूवर्ड्स ए गोल। यानी कॉपरेशन के बेस के ऊपर क्या है, ये कंटिन्यूस और कॉमन एफर्ट्स है, किसका, दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स का, जो कि अपने गोल को, टारगेट को अचीव करने के लिए क्या कर रहे हैं, विलिंगली एक दूसरे के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। तो डेट इज कॉपरेशन। अब कॉपरेशन क्या है, एक एसोसिएटिव प्रोसेस है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो है डिससोसिएटिव सोशल प्रोसेस है। यानी इसके अंदर एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ में मिलकर के क्या कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट इसके अंदर आपस में क्रिएट हो रहा है। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से अपने इंटरेस्ट को सेव करना चाह रहा है, तो उसके बेस के ऊपर दोनों ग्रुप के अंदर एक क्या क्रिएट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। अब कॉपरेशन में भी कॉन्शियस और एन अनकॉन्शियस प्रोसेस, यानी नजर भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता, जबकि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक कॉन्शियस प्रोसेस है, आपस जिसको कि पर्सन आपस में एक तरह फील कर सकते हैं कि यार इसके अंदर आपस में लड़ाई झगड़ा कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है। जबकि कॉपरेशन इज यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, लगातार चलने वाला प्रोसेस है। इट इसके अंदर सिंपैथी एम्पैथी एक दूसरे के प्रति वो इन्वॉल्व होती है, जो कि एक निस्वार्थ है। बिल्कुल कॉपरेशन इज ए साइकोलॉजिकल एज वेल एज सोशल नेसेसिटी, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस अपने आप डेवलप हो जाता है और एक समाज की इसको जरूरत भी माना गया है कि भाई क्योंकि बिना कॉपरेशन के हम सोसाइटी को सर्वाइव नहीं कर सकते। अब कॉपरेशन में एंटेल यानी जरूरी है कॉन्फ्लिक्ट एंड देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन एनफोर्स्ड एंड वॉलेंट्री कॉपरेशन। यानी एक तो आपसे किसी को आप जबरदस्ती उसके साथ मिलकर कॉपरेट कराएं और एक पर्सन वॉलेंट्री बेसिस के ऊपर कॉपरेट करे, तो दिस कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द एग्जाम्पल। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, इंडियन सोसाइटी के एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि डॉटर्स प्रॉपर्टी राइट इन इंडियन सोसाइटी, एक लड़की है फादर की प्रॉपर्टी के अंदर उसका क्या राइट है, वो एक एग्जाम्पल के रूप में इसलिए बताया। एक लड़की है फादर की प्रॉपर्टी के अंदर उसका बराबर का हिस्सा है, शी इज लुक्ड अपॉन एज ग्रीडी। अगर वो अपने हिस्से को मांगती है तो आपस के अंदर सोसाइटी की नजर में क्या आएगा, उसके ब्रदर की नजर में कि लालची है। एंड इफ एज ए कंप्लीशन शी लूज हर राइट, अगर वो छोड़ती है इट इज लेबल्ड एज ए कॉपरेशन, तो उसके ऊपर लग जाएगा लेबल, लग गया कि भाई उसने क्या किया है अपने ब्रदर्स के साथ में या दूसरे सोसाइटी के लोगों से कॉपरेट किया है। सो कॉपरेटिव बिहेवियर कैन आल्सो बी सीन एज ए प्रोडक्ट ऑफ डीप कॉन्फ्लिक्ट इन ए सोसाइटी। यानी जो सोसाइटी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं उनका एक प्रोडक्ट है। तो एक फंक्शनलिस्ट ऑफन यूजेस द टर्म अकोमोडेशन टू एक्सप्लेन सच सिचुएशन। तो जो फंक्शनलिस्ट है अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक नई टर्म को यूज करता है, दैट इज अकोमोडेशन, जो ये बताता है सिचुएशन किस तरह से सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती है। दिस इज बेसिकली एन एफर्ट टू कंप्रोमाइज एंड कोएग्जिस्ट डिस्पाइट कॉन्फ्लिक्ट। ये इट इज बेसिकली एन एफर्ट, ये एक एफर्ट है जिसके अंदर हम एक दूसरे के साथ में रहने पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की जगह पर। तो अकोमोडेशन मे बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ सोशल प्रोसेस इन विच टू और मोर पर्सन और ग्रुप्स इंटरेक्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रिड्यूस और एलिमिनेट कॉन्फ्लिक्ट। यानी अकोमोडेशन एक को किस तरह से डिफाइन किया है कि एक सोशल प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी दो पर्सन हैं या कोई ग्रुप्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सके या फिर उसको रिड्यूस किया जा सके। कॉपरेशन एंड अकोमोडेशन आर टू डिफरेंट प्रोसेस,
बट बोथ आर प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन। अब ये कॉपरेशन है, एकोमोडेशन है, ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन ये आपस के अंदर एक दूसरे से एसोसिएट भी कर रहे हैं, जुड़े भी हुए हैं। बोथ लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप ऑफ लाइफ, कंसाइनेंस, इंटीग्रेशन, एसिमिलेशन, हारमोनी इन द सोसाइटी। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व कर रहा है, ये जो लीड कर रही है सोसाइटी, यानी जो हमारे ग्रुप ऑफ लाइफ, लोगों का जो ग्रुप है वो किस तरह से अपनी लाइफ को इन्वॉल्व कर रहा है, कंसाइंस, इंटीग्रेशन, आपस के अंदर किस तरह से जुड़े हुए हैं, एसिमिलेशन, हारमोनी, ये सारी चीजें सोसाइटी के एक पार्ट के अंदर आती है। तो एसिमिलेशन रेफर करता है सोशल प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर पर्सन और ग्रुप्स एक्सेप्ट एंड परफॉर्म ईच अदर्स पैटर्न ऑफ बिहेवियर। यानी एसिमिलेशन के अंदर क्या चीज आती है, सोशल प्रोसेस आता है, जिस सोशल प्रोसेस किसके थ्रू चलेगा, दो या दो से ज्यादा पर्सन या ग्रुप जो कि एक दूसरे के पैटर्न को, बिहेवियर को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं या उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। अब कॉपरेशन डील्स विद रिलेशनशिप, अब इसके अंदर रिलेशनशिप है अमंग पर्संस और ग्रुप टू अटेन ए कॉमन गोल, वेयर एज एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ कॉपरेशन। तो कॉपरेशन किसको डील कर रहा है, अलग अलग पर्संस को, ग्रुप ऑफ पर्संस को, जो कि एक अपने कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। जबकि एकोमोडेशन और एसिमिलेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, जो कॉपरेशन के जो प्रोसेस के जो स्टेजेस हैं, किस किस स्टेज के अंदर किसने कैसे कॉपरेट किया है, उस चीज को इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपरेशन रेस्ट ऑन सर्टेन एजप्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर टॉपिक। तो ये कह रहा है कॉपरेशन हेल्प्स इन ह्यूमन सर्वाइवल, किसके ऊपर हेल्प कर रहा है, ह्यूमन सर्वाइवल, कैसे ह्यूमन सर्वाइव कर रहा है। अब इसके अंदर इट मेक्स गोल अटेनमेंट, अपने टारगेट बनाते हैं, उस टारगेट को कैसे इजी किया जाए, कैसे उनको आसानी से अचीव किया जाए। इसके अंदर इट यूनाइट्स पीपल, एनहेंस अपॉर्चुनिटीज टू अटेंड नॉलेज एज वेरी हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डोमेन। अब इसके अंदर लोगों को आपस में यूनाइट किया जाता है, इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है वो आपस में एक दूसरे को कैसे हेल्प कर सकती है, उनको कैसे अचीव किया जा सकता है, उस चीज की स्टडी हम इसके अंदर करते हैं। तो दुर्खिम सॉलिडरिटी इज फंडामेंटल और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉपरेशन, यानी जो दुर्खिम बताता है कि ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है और इसको समझने की जरूरत है। तो द रोल ऑफ डिविजन ऑफ लेबर विच इंप्लाइज कॉपरेशन इज प्रिसाइसली टू फुलफिल सर्टेन नीड्स ऑफ सोसाइटी। तो जो लेबर क्लास लोग हैं या लेबर है, उसका जिस तरह से डिवीजन हुआ है सोसाइटी के अंदर, जिस देश के ऊपर वो आपस के अंदर एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे हैं, सोसाइटी की जरूरतें क्या हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी चीजें को अंदर हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो दुर्खिम डिस्टिंग्विश बिटवीन मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। अब मैकेनिकल और ऑर्गेनिक दोनों चीजों को ये अलग अलग करता है। बोथ फॉर्म्स ऑफ कॉपरेशन इन सोसाइटी, अब ये जो मैकेनिकल और ऑर्गेनिक दोनों ही सोसाइटी के कॉपरेशन का पार्ट है। ह्यूमंस आर कॉपरेटिव, है ही सही, एक दूसरे को कॉपरेट कर रहा है तभी उसकी सोसाइटी डेवलप हो रही है। तो दस दे डू नॉट पैसिवली एडजस्ट एंड अकोमोडेट बट आल्सो चेंज द नेचुरल और सोशल वर्ल्ड टू विच दे एडजस्ट। तो इस तरह से दे डू नॉट पैसिवली एडजस्ट, वो आपस के अंदर वैसे सिंपली एडजस्ट नहीं कर लेता और अकोमोडेट कर, बल्कि वो जो सोसाइटी के अंदर जो नेचुरली धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर जिससे चेंजेस आते जा रहे हैं, उनके चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है। तो दुर्खिम एंड कार्ल मार्क्स, अब इनकी जो रिलेशनशिप है कॉपरेशन की, इसके ऊपर दोनों की जो उनकी सोच है, दुर्खिम की अलग है, कार्ल मार्क्स की अलग है। कार्ल मार्क्स कहता है कि कॉपरेशन इज नॉट वॉलेंट्री इन ए सोसाइटी वेयर क्लास एग्जिस्ट, सिंस द कॉपरेशन इज नॉट वॉलेंट्री बट हैज कम अबाउट नेचुरली। तो ये कार्ल मार्क्स कहता है कॉपरेशन जो वॉलेंट्री नहीं है सोसाइटी के अंदर, जबकि जो क्लास जो एग्जिस्ट कर रही है, यानी अपर क्लास है, लोअर क्लास है, वो कॉपरेशन के
सिंस देयर कॉपरेशन इज नॉट वॉलेंट्री, यानी उनके अंदर जो कॉपरेशन है अपर क्लास के अंदर लोअर क्लास के अंदर, वो आपस के अंदर क्या नहीं कर रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, बट हैज कम अबाउट नेचुरली, यानी जो इनके लेकिन वो जो कॉपरेशन जो आ रहा है लेबर क्लास के अंदर ऑनर के अंदर, वो एक नेचुरली क्या होता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है। इन अदर वर्ड्स वर्कर्स लॉस कंट्रोल ओवर हाउ टू ऑर्गेनाइज देयर ऑन वर्क। तो इसके अंदर वर्कर्स अपना वर्क को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए उसके ऊपर अपना कंट्रोल खोता जाता है, और जो उसको लेबर का रिवार्ड जो मिलता जा रहा है उसके ऊपर उसका कंट्रोल खत्म होता जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर डोमिनेट कौन कर रहा है, फैक्ट्री ओनर उसको डोमिनेट कर रहा है, वही उसके वर्क को डिसाइड कर रहा है और वही उसको जो रिवार्ड मिलना चाहिए उस चीज को वो डिसाइड करता है। दिस इज वेरी डिफरेंट टू ए वीवर और ए पॉटर और आयरन स्मिथ हु ड्राइव्स फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट एंड प्लेजर ऑफ क्रिएटिविटी विद डेट ऑफ ए वर्कर इन्वॉल्व इन ए फैक्ट्री हुज सोल टास्क मे बी टू प्रेस ए बटन थ्रू आउट द डे। कॉपरेशन इन सच ए सिचुएशन इज एनफोर्स्ड। अब यहाँ पर इसलिए एग्जाम्पल दिया है कि एक पॉटर है या आयरन स्मिथ है, तो ये पर्सन जब अपने क्रिएटिविटी से जब अपने गोल को अचीव कर लेते हैं तो एक इनको एक अलग फीलिंग्स आती है, और फीलिंग के साथ साथ एक खुशी टाइप उनको फील होती है। जबकि एक जो फैक्ट्री वर्कर है वो कॉपरेट केवल किस पे कर रहा है, केवल उसका पूरा दिन भर उसको क्या करना है, अपना बटन ऑन करना है, तो उसके बेस के ऊपर कॉपरेशन इन सच ए सिचुएशन इज एनफोर्स्ड, जबरदस्ती उसके ऊपर लागू किया गया है। अब मैकेनिकल सॉलिडरिटी यानी फॉर्म ऑफ कोहेशन यानी टुगेदरनेस, आपस के अंदर साथ मिलकर के काम करना, इन लाइफ स्टाइल स्पेशलाइजेशन, डिविजन ऑफ लेबर, एज एंड सेक्स, सॉरी ये सब लोग अलग अलग लेबर, अलग अलग एज ग्रुप के लोग, अलग अलग जेंडर्स के लोग आपस में मिलकर के एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं। दे हैव टुगेदरनेस ड्यू टू सिमिलर बिलीफ। अब आपस के अंदर क्यों है, क्योंकि उनकी हो सकता है बिलीफ्स उनके एक जैसे हों, उनकी धार्मिक आस्थाएं एक जैसी हों, सेंटिमेंट्स उनके एक जैसे हों एंड कंसाइंसनेस। तो फैमिली एंगेज इन द फार्मिंग, जस्ट लाइक इसलिए एग्जाम्पल दिया है कि भाई एक फैमिली है एक फार्मिंग के अंदर एंगेज है। अब फार्मिंग के अंदर जो फैमिली एंगेज है तो अलग अलग स्टेजेस के ऊपर अलग अलग तरह के लोग उसके अंदर वर्क कर रहे हैं। एक छोटा पर्सन बच्चा है उनके परिवार का, वो अपना रोल प्ले कर रहा है, तो एक एडल्ट पर्सन है वो अपना रोल प्ले कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें एक फार्मिंग के बेस के ऊपर उसको बताया गया है, मैकेनिकल बेस के ऊपर। अब ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, अब फॉर्म ऑफ सोशल कोहेशन बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर एंड रिजल्टिंग इनटू इंटरडिपेंडेंस, यानी डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर डिपेंडेंस। अब डिवीजन ऑफ लेबर है यानी आपका काम अलग है, दूसरे का काम अलग है, तीसरे का काम अलग है, सबके वर्क अलग अलग है, तो जब सबके वर्क अलग अलग है तो आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या है, लोग ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है। तो एज दे बिकम मोर स्पेशलाइज, तो यानी पर्टिकुलर पर्सन जब एक अपने वर्क के अंदर एक स्पेशलिस्टी गेन कर लेता है, दूसरा पर्सन अपने वर्क के अंदर स्पेशलिस्टी गेन कर लेता है, तो आपस के अंदर वो एक दूसरे के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे कि इसलिए एग्जाम्पल है गारमेंट और कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब गारमेंट है कपड़ा, कोई पर्सन है जो केवल थ्रेड बनाने के अंदर एक्सपर्ट है, दूसरा पर्सन क्लॉदिंग करने के अंदर है, तीसरा पर्सन गारमेंट बनाने के अंदर है, तो गारमेंट वाला डिपेंडेंट है क्लॉथ के ऊपर, क्लॉथ वाला डिपेंडेंट है थ्रेड के ऊपर, तो एक दूसरे के ऊपर जो इंटरडिपेंडेंसी है सोसाइटी के लोगों की वो क्या होती है, और भी ज्यादा बन जाती है। कंपटीशन एज एन आइडिया एंड प्रैक्टिस, तो कंपटीशन के बारे में बताया, लाइक कॉपरेशन कंपटीशन इज आल्सो यूनिवर्सल, पूरे वर्ल्ड के अंदर चल जाइए, हर सोसाइटी के अंदर कॉम्पिटिशन क्रिएट हो रहा है और ये नेचुरली डेवलप हो रहा है दिस सोसाइटी। तो सोशल प्रोसेस हाउएवर द सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम नेचुरलिस्टिक वन, यानी ये जो है आपका जो सोशल प्रोसेस सोशियोलॉजिकल है एक्सप्लेनेशन है जो कि नेचुरलिस्टिक से बिल्कुल अलग है, यानी इसके अंदर कह रहा है कि कॉन्टेम्प्रेरी पीरियड के अंदर जो कॉम्पिटिशन इज ए प्रीडोमिनेंट, आप बिल्कुल रहेगा कॉम्पिटिशन सोसाइटी के अंदर एक पार्ट से एक
वर्ग एक क्लास का दूसरे क्लास के साथ में रहेगा, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ में रहेगा, एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ रहेगा। तो ये जो कंपटीशन का जो आइडिया है, एंड वन कैन नॉट इमेजिन ए सोसाइटी वेयर कंपटीशन इज नॉट ए गाइडिंग फोर्स, यानी हम सोसाइटी को इमेजिन ही नहीं कर सकते अगर किसी सोसाइटी के अंदर कॉम्पिटिशन नहीं है, इसका मतलब वो सोसाइटी नहीं है। क्योंकि सोसाइटी के अंदर अलग अलग तरह के लोग हैं और हर एक के इंटरेस्ट अपने अपने, और अपने अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए उनके बीच के अंदर कंपटीशन होना एक नेचुरल प्रोसेस है। तो एमिल दुर्केप और कार्ल मार्क्स हैव नोटेड द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड कंपटीशन रेस्पेक्टिवली। तो इन दोनों ने इंडिविजुअलिज्म को और कॉम्पिटिशन को, दोनों को नोट किया मॉडर्न सोसाइटी के अंदर। तो बहुत डेवलपमेंट आर, यानी जो कंपटीशन है या इनकी जो ग्रोथ हो रही है वो सोसाइटी के अंदर इंटरनल है, टू द वे टू बॉडम कैपिटलिस्ट सोसाइटी फंक्शन। तो इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी द स्ट्रेस इज ऑन ग्रेटर एफिशिएंसी एंड ग्रेटर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जिसने एग्जांपल दिया है, अगर आप स्ट्रेस रखते हैं तो किस लिए स्ट्रेस रख रहे हैं? कि आप अपने वर्क को ज़्यादा एफिशिएंसी से करना चाह रहे हैं, और उस एफिशिएंसी के बेस के ऊपर वर्क जब परफॉर्म होगा तो उसके ऊपर अपना ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट गेन करना चाह रहे हैं। तो एक टेंशन सी जो क्रिएट होती है उसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट क्रिएट होता है। द आइडियोलॉजी ऑफ कॉम्पिटिशन इज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी इन द कैपिटलिज्म। तो पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर ही जो कॉम्पिटिशन है वो डोमिनेंट आइडियोलॉजी है। द लॉजिक ऑफ दिस आइडियोलॉजी इज दैट द मार्केट ऑपरेट्स इन ए मैनर दैट एनश्योर ग्रेटर एफिशिएंसी। यानी मार्केट के अंदर कौन सी चीज सर्वाइव करेगी? जो ज्यादा से ज्यादा अच्छी बनी हुई हो। अगर आप कहीं लूज हैं तो डेफिनेटली यू आर लूजिंग योर मार्केट। आप मार्केट लूज कर रहे हैं तो आपका जो क्या जो प्रोडक्ट है उसकी सेल अपने आप ऑटोमेटिकली कम होगी। तो कंपटीशन एंश्योर दैट द स्टूडेंट्स विद हायर मार्क्स और बेस्ट स्टडीज गेट एडमिशन इन प्रेस्टिजियस कॉलेज एंड गेट बेस्ट जॉब्स। अब यहां पर भी अपने एडुकेशन के बेस के ऊपर इसलिए बता दिया, बच्चे है जो स्टूडेंट है जो कंपटीशन करते हैं किसके अंदर, कि भाई उनके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अच्छे हैं। ज़्यादा नंबर अच्छे आएंगे ऑब्वियसली बात है, दोज काइंड स्टूडेंट्स हु गेन गुड मार्क्स हायर मार्क्स दे कैन गेट द एडमिशन इन अदर और बेटर कॉलेजेस। वहाँ पर उनको एडमिशन आराम से मिलेगा, उनकी लाइफ सिक्योर रहेगी, उनकी जॉब सिक्योरिटी अपने आप डेवलप होगी। तो ये सारी चीज़ें भी किस बेस के ऊपर आई? कॉम्पिटिशन के बेस के ऊपर ही डेवलप हुई है। तो दिस आइडियोलॉजी एज्यूम दैट द इंडिविजुअल कम्पीट ऑन एन इक्वल बेसिस, यानी जो इंडिविजुअल पर्सन है वो एक दूसरे को इक्वल बेसिस के ऊपर कम्पीट कर रहा है। दैट इज ऑल इंडिविजुअल आर पोजिशन इक्वली इन द कॉम्पिटिशन फॉर एडुकेशन जॉब रिसोर्सेज, बट एज स्ट्रेटिफिकेशन एंड इनइक्वलिटी शो इंडिविजुअल्स आर प्लेस्ड डिफरेंटली इन द सोसाइटी विच अल्टीमेटली लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। अब बहुत सही चीज इसलिए बताई है कि आइडियोलॉजी एज्यूम्ड है, यानी जो आइडियोलॉजी वो क्या बताती है कि इंडिविजुअल्स कंपीट ऑन इक्वल बेसिस, यानी जितने भी पर्सन है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड है गवर्नमेंट के थ्रू, समाज के थ्रू। यहां पर है जो यानी सारे जो इंडिविजुअल पर्सन है वो इक्वल पोजिशन के ऊपर है। किसके बेस के ऊपर? अगर वो एडुकेशन गेन करना चाहते हैं करिए, जॉब गेन करना चाहते हैं करिए, जो रिसोर्सेज है वो सबके लिए अवेलेबल है। लेकिन जो सोसाइटी का जो स्ट्रेटिफिकेशन जो स्तर है वो उसके अंदर इनइक्वलिटी शो होती है। वो कैसे? इंडिविजुअल आर प्लेस्ड डिफरेंटली इन सोसाइटी, यानी हर एक पर्सन जो रिच सोसाइटी का है ऑब्वियसली उसके पास में रिसोर्सेज ज्यादा है, वो अपने पैसे के बेस के ऊपर ज्यादा अपनी फैसिलिटीज को गेन कर सकता है। तो उसके बेस के ऊपर दूसरों के साथ में क्या हुआ? एक इनइक्वलिटीज क्रिएट होती है। तो इंडिविजुअल आर प्लेस्ड एट डिफरेंटली इन सोसाइटी विच अल्टीमेटली लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, और इसी बेस के ऊपर जो सोसाइटी के जो स्ट्रेटिफिकेशन है उस ग्रुप के जो अलग अलग ग्रुप के जो लोग हैं उनके बीच के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो अब आती है बात कॉन्फ्लिक्ट की। तो कॉन्फ्लिक्ट भी क्या है? यह भी एक डिससोसाइटेटिव सोशल प्रोसेस है। द टर्म कॉन्फ्लिक्ट इंप्लाइज क्लैश और इंटरेस्ट, यानी कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ही क्या है? सोसाइटी के अंदर अलग अलग जो लोग हैं अपने अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए काम कर रहे हैं। जब सेव करेंगे अपने अपने इंटरेस्ट को ऑब्वियसली इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट क्या है? एक डिससोसाइटिव
सोशल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल और ग्रुप सीक देयर एंड्स बाय डायरेक्टली चैलेंजिंग द एंटीगोनिस्ट बाय वायलेंस और द थ्रेट ऑफ वायलेंस। यानी जो इंडिविजुअल पर्सन है वो कॉन्फ्लिक्ट अगर क्रिएट है सोसाइटी के अंदर, तो फिर अपने गोल को अचीव करने के लिए, चाहे वो वायलेंस के बेस के ऊपर करे या किसी भी तरीके से अपने गोल को अचीव करना चाहेगा, तो इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज इन विच पीपल कंटेंट अगेंस्ट वन अनदर फॉर एनी ऑब्जेक्टिव। अब इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड है, कौन सी, जिसमें कि लोग एक दूसरे के अगेंस्ट में जाते हैं, किस लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को गेन करने के लिए। अब आता है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो है नहीं, क्योंकि रिसोर्सेस जो है अवेलेबल तो है, लेकिन अवेलेबल किसके लिए अवेलेबल है, ऑब्वियसली बात है जो पावरफुल पर्सन है उन पर्सन के पास में रिसोर्सेज ज्यादा हैं और वो उनको ज्यादा यूज में ले रहे हैं, और कई सारे रिसोर्सेज हैं वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो उस बेस के स्कर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज सोसाइटी प्रोड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एज ग्रुप स्ट्रगल। इसके बेस के ऊपर, यानी जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है ऑब्वियसली वो दूसरों के साथ में रिसोर्सेज या तो शेयर करना चाहेगा या फिर लेना चाहेगा, छीनना चाहेगा, तो छीनेगा तो उसके बेस के ऊपर स्ट्रगल क्रिएट होगा और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। तो द बेसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अब ये जो बेस है कॉन्फ्लिक्ट का वो भी अलग अलग तरीके से, इट कुड बी क्लास और कास्ट, ट्राइब, जेंडर, एथेंसिटी, रिलीजियस कम्युनिटी, किसी भी बेस के ऊपर ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। तो सोशियोलॉजिस्ट हैव ड्रॉन अटेंशन टू द फैक्ट दैट कॉन्फ्लिक्ट चेंजेस इन नेचर एंड फॉर्म ऑफ एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो यहां पर सोशलिस्ट बताता है कि इसके अंदर किस चीज के ऊपर ध्यान दिया गया है कि कॉन्फ्लिक्ट चेंजेस इन नेचर, नेचर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्या होते जा रहे हैं, नेचर के बेस के ऊपर, जैसे जैसे समाज का, सोसाइटी का नेचर चेंज होता है, कॉन्फ्लिक्ट का भी नेचर क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है अलग अलग स्टेजेस के ऊपर। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी। यानी अगर हम सोचें कि भाई सोसाइटी के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर, वर्ल्ड के अंदर सोचे कि भाई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ऐसी वर्ल्ड के अंदर कोई सोसाइटी नहीं है। ऑब्वियसली जो कॉन्फ्लिक्ट है कॉपरेशन की तरह ही क्या है, एक सोसाइटी का पार्ट बन गया है, कॉम्पिटिशन की तरह ही सोसाइटी का पार्ट बन चुका है। सोशल चेंजेस एंड ग्रेटर एजर्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स बाय डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप्स मेक द कॉन्फ्लिक्ट मोर विजिबल। अब जो सोसाइटी के अंदर चेंजेस आते जा रहे हैं डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर, बाय अब ये डेमोक्रेटिक राइट्स किसको प्रोवाइड किए जाए, जिनको प्रोवाइड किए, जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप है, डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप्स है, अब इनके बीच के अंदर जब उनको प्रोवाइड किए गए तो उनके बीच के अंदर भी जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ वो साफ साफ नजर आता है। कॉन्फ्लिक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पिटिशन। अब यहां पर ये कहता है कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिशन दोनों अलग अलग है। कॉम्पिटिशन मे बी एन अनकॉन्शियस प्रोसेस, बिल्कुल नजर नहीं आएगा, विजिबल नहीं है, कॉम्पिटिशन एक महसूस किया जाएगा, जबकि कॉन्फ्लिक्ट एज क्या है, एक कॉन्शियस सोच समझ के किया गया प्रोसेस है। द मेन मोटिव ऑफ कॉम्पिटिशन इज टू अचीव द गोल्स व्हाइल कॉन्फ्लिक्ट आर मोस्टली फॉर पर्सनल गोल्स। अब इसके अंदर कॉम्पिटिशन के अंदर क्या है, आप अपने गोल को, एक सोसाइटी अपने गोल को अचीव करने का काम कर रही है, जबकि कॉन्फ्लिक्ट आर मोस्टली फॉर पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए आप इसके अंदर क्या कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, वायलेंस एटसेट्रा, ये सारी चीजें क्रिएट हो रही हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट अपीयर्स एज ए डिस्कॉर्ड और ओवरहेड क्लैश, यानी कॉन्फ्लिक्ट के बेस के ऊपर क्लैशेस क्रिएट होंगे व्हेन एक्सप्रेस्ड ओपनली, बट द एब्सेंस ऑफ मूवमेंट डज नॉट इंप्लाई द एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट अगर क्रिएट है, अगर मूवमेंट नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो कॉन्फ्लिक्ट इज ऑफन नॉट ओवरटली एक्सप्रेस्ड, यानी कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कह सकता। द सबोर्डिनेट सेक्शन एग्जाम्पल वीमेन और पीजेंट डेवलप डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू कॉप विद द कॉन्फ्लिक्ट एंश्योर कॉपरेशन। अब जो वीमेन है या पीजेंट है, उन्होंने अपने अपने जो जो भी चीज़ें उन्होंने अपने अपने तरीके से डेवलप करी हैं, अपने राइट्स को उन्होंने जो गेन किया है वो कॉपरेशन के बेस के ऊपर भी हो सकता है, और कॉन्फ्लिक्ट आपस में उनका लड़ाई झगड़ा मूवमेंट जो किए थे उसके बेस के ऊपर भी उन्होंने उसको अचीव किया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर सोशियोलॉजिकल रिसर्च फंडिंग डेट कवर्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड ओवरहेड कॉपरेशन इज वेरी ट्रू एंड क्वाइट कॉमन द सोसाइटी।
थैंक यू।